हेलो डी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको सी जी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का सेट बी क्वेश्चन पेपर 2021 का मैं आपको पूरा फुल सॉल्यूशन यहां पर बताने वाला हूं टोटल पूरे तीतीस अंक तीतीस क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं है ना तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको दो चैनल की लिंक दी गई है पहले चैनल की लिंक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए उस यूट्यूब चैनल का और दूसरे चैनल की लिंक आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए है तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आने वाले जो क्वेश्चन के पेपर के जो सोल्यूशन है आपको उन्हीं चैनल पर देखने को मिलेंगे इस चैनल पर नहीं मिलेंगे तो आप जाइए और उन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए तो देख लीजिए यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को मिलान कर लीजिए देख कर पर मिलान कर लीजिए देखिए किस इस, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर है आपका क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर ये देख लीजिए आप मिलान कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टीन ये देख लीजिए टोटल आपका क्वेश्चन थर्टी है तो देखिए पूरा क्वेश्चन थर्टी के मैं आपको पूरा फुल सोलूशन आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ हेलो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं घबराइए मत सबका सलूशन है डाउट नट बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है उसे क्रॉप करना है और पांच सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो सीबीएसई का हो यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या अदर बोर्ड का हो चाहे आई आई टी जेई नेट या छठी से बारहवीं तक का सवाल हो इन सब का जवाब मिलेगा डॉटनेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉटनट ऐप पर साथ ही डॉटनोट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर एनजे सर आकांक्षा मैम प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर तीन करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डॉटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाइए इंस्टॉल कीजिए डॉट ऐप तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं जो ए नंबर का क्वेश्चन में जो आपको पहला दिया है उसका आंसर देखिए आपको लिखना है कॉम्प्लिकेटेड वर्ग इन ऑल ब्रांचेस पुट डाटा इन ऑर्डर यहाँ पर आपको है ना जो ऑब्जेक्टिव को चुनकर लिखना है तो देखिए इसी के अंतर्गत जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है ह्यूमन बींग्स मे इन्जॉय मोलीजर तीसरे में द प्रोसेस बाय बिच मशीन्स कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस चौथे क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा कंप्यूटर्स टू बी एबल टू वर्क नीड रिटेल इंस्ट्रक्शंस पाँचवें का आंसर आएगा इनेबल इसके बाद देखिए जो बी नंबर का सेक्शन है उसके अंदर्गत जो आपको छठवा क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं आप स्क्रीन शॉट लेकर लिखते जाइए या फिर वीडियो को प्ले और पोस्ट करके आप आंसर को लिखते जाइए अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं अब देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हम देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर में आपको है ना दो यहाँ पर अप्लायंस का नाम लिखना है तो देखिए आप कंप्यूटर्स है ना इतना आप आंसर लिख सकते हैं ठीक है फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको है ना कॉम्प्लेक्स मशीन को बताना है कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं फिर देखिए क्वेश्चन नंबर टेन हम देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में आपको लिखना है सम ईयर एगो एन एक्सपर्ट ऑन ऑटोमेशन सर ल्यून बागरिट सी सेक्शन के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन है उसमें आपको क्या करना है जो ये दो शब्द दिए गए हैं इनके जैसे शब्द बताना है जो कि इनकी जैसे मीनिंग रखते हो तो देखिए फ्रीड जैसे शब्द की मीनिंग हो सकती है यहाँ पर फ्री डिस्चार्जड और लिबरेटेड ठीक है मैंने आपको टोटल तीन बता दिया हूँ ना यानी कि आप चाहे तो कोई भी एक लिख सकते हैं या फिर आप तीनों भी लिख सकते हैं इसी प्रकार नोट सिंपल में आपका डिफिकल्ट आ सकता है अनस्टेबल आ सकता है और अनश्योर भी आ सकता है तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर एलेवन और ट्वेल्व का आंसर हो गया है अब हम बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आपको एक पैराग्राफ आप देगा था उस पैराग्राफ आप से आपको नोट्स लिखना है नोट्स बनाकर लिखना है तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए पूरा नोट्स बना दिया हूँ तो देखिए सबसे पहले आप इतना से लेकर इतना तक का स्क्रीन ले लीजिए एकदम प्योर नोट्स है ना। अच्छे से बनाओ नोट्स फिर आप इतना स्क्रीन ले लीजिए फिर देखिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देखिए आप इतना स्क्रीन ले लीजिए ये आपके नोट्स हो जाएंगे अब देखिए क्वेश्चन फोर्टीन में भी आपको नोट्स है ना जो आपने नोट्स बनाया है उसके अंतर्गत आपको समरी बनाकर लिखना तो देखिए मैंने यहाँ पर समरी लिख दिया हूँ तो आप सबसे सब पहले इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर इतना आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए यह आपके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की समरी का आंसर हो जाता है अब देखिए इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है उसमें आपको ऐसे लिखना है तो देखिए किसी एक विषय पर आपको ऐसे लिखना है तो देखिए हमने इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर आप ऐसे लिखेंगे तो देखिए ये है ना ये आपका ऐसे है तो देखिए आप चाहे तो अपने हिसाब से काट छाट करके कर कर लिख सकते हैं छोटा बड़ा करके लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं है ना तो आप अपने हिसाब से काट छाट कर लीजिएगा आप इतना स्क्रीन ले लीजिए फिर इतना स्क्रीन ले लीजिए फिर इतना स्क्रीन ले लीजिए फिर इतना अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें आपको डू अस डायरेक्ट करना है टोटल इसमें आपको ग्यारह क्वेश्चन दिए गए को भी आपको दस करना है तो देखिए हमने मैंने पूरा ग्यारह सोल्व कर दिया हूँ आप को भी दस चुनकर लिख दीजिएगा तो देखिए पहले में आपको बॉइस को चेंज करना है तो देखिए पहले में आंसर आएगा द मैच हैज़ बिन वन वाई अस दूसरे में भी आपको बॉइस को चेंज करना तो देखिए दूसरे में आंसर आएगा यूवर टाइम शोड नोट वेस्टेड बाय यू तीसरे में देखिए यहां पर आपको क्लोज लगाना तो देखिए इसका आंसर आएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बोल चौथे में आंसर आएगा ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड पांचवें में आंसर आएगा इट इज सर्टेन दैट अब्दुल विल पास छठवें में आंसर आएगा आपका द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम एस सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल सातवें में आपको क्वेश्चन टेक लगाना है ठीक है नहीं सॉरी सातवीं में देखिए इसका आंसर आएगा डू यू डू यू वर होमवर्क डेली फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आपको लगाना आवश्यक है और आठवें में आपको है ना सो और डेट का प्रयोग करके इन बातों को अरेंज करना तो देखिए इस इस इसका आंसर आएगा द बॉक्स इज सो दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट इसका देखिए फिर नौवे का आंसर आएगा आपका डुड डिड मोहन पोस्ट द लेटर नौवे का आंसर आएगा आपका आई आए मेट रमेश हु हैड जस्ट अराइव्ड और ग्यारहवें का आंसर आएगा आपका द गेट वास विंग सर्ट वन शर्ट वाई हेम तो आप कोई भी दस सुनकर यहाँ पर लिख दीजिएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का आंसर देखते तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में आपको एक नोटिस बनाना है तो देखिए हमने सुंदर तरीके से यहाँ पर नोटिस बना ली है तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सोल्व करने का प्रयास किया है तो देखिए फिर आप इसे नोटिस सजा कर लिख देंगे और यहाँ पर हमने पूरा जैसा का तैसा आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप जो डेट है अपने हिसाब से डाल सकते हैं फिर यहाँ पर आखिरी में बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल राहुल क्वेश्चन में आपको राहुल दिया इसलिए हमने यहाँ पर राहुल लिख दिया है और राहुल क्या है सेक्रेटरी कल्चरल एक्टिविटीज़ पे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर का आंसर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर में आपको लेटर लिखना है है ना आपका जो मित्र है राकेश या फिर राखी उसको आपको मित्र लेटर लिखना है कि आपकी जो सिस्टर है उसकी मैरिज होने वाली है तो आप उनको लेटर लिख रहे हैं तो देखिए हमने यहाँ पर लेटर लिख दिया है तो देखिए यदि आप बोल है तो आप यहाँ पर राकेश लिखेंगे यदि आप घर है तो यहाँ पर राखी लिख देंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और आखिरी में आप यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आप अपना शहर भी डाल सकते हैं है ना आप अपना शहर यहाँ पर डाल लेंगे आप जहाँ पर रहते हो इसके बाद देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना इसका देखिए यहाँ पर आपको जो आपका सेक्शन सी है इसमें देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया है इस पैराग्राफ को आपको, आपको पढ़ना समझना है और नीचे देखिए आपको प्रश्नों के आंसर दे देना तो देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर आएगा बी पार्टिसिपल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर आएगा ए ब्राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर आएगा बेक ऑफ द स्वामिल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर आएगा सी पार्टी सिपल्स यहाँ पर मैंने टिक कर दिया हूँ आप इसका आंसर लिख सकते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट में भी आपको वहाँ पर पोएम को केयरफुल पढ़ना है और नीचे दिए गए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में आंसर आएगा सी नंबर का टोटली कन्फ्यूज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में आपका आंसर आएगा बी नंबर का डेथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में आपका आंसर आएगा डी नंबर का ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में आपका आंसर आएगा ए नंबर का हग अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो, तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं इसका देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर है ना तो देखिए इसका आंसर देखिए आप इतना लिख सकते हैं पूरा फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का आंसर इतना आप लिख सकते हैं फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आपको है ना मिस्टर हेमल का आपको इसके कैरेक्टर स्केच इस को ड्रा करना है मतलब कि उनके विशेषताओं के बारे में लिखना है तो, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इतना स्क्रीन ले लीजिए फिर इतना आप स्क्रीन ले लीजिए उम्मीद आप सभी समझ में आ रहा होगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में आपको फर्स्ट डे कवर के बारे में बताना है कि फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है तो देखिए आप इसका आंसर इतना पूरा लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इतना से लेकर इतना तक भी लिख सकते हैं यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखते हैं हम तो देखिए इसमें आपको आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं और लिखना ही है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में आपको है हाँ ना इनका जो महाराजा है उनका कैरेक्टर स्केच को आपको ड्रॉ करना है तो देखिए इतना आप आंसर लिख देंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है टोटल सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको टोटल सिक्स मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे फिर आप इतना स्क्रीन ले लीजिए तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका सी बोर्ड का क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का सेट बी का पूरा सोल्यूशन बता दिया हूँ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की सोल्यूशन आपको वहीं पर मिलेंगे तो उम्मीद आपको सारा वीडियो लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत